हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट नॉलेजेबल गर्ल। सो गाइस, मैं आपको आज मेकअप अनबॉक्सिंग करके दिखाती कुछ। आज मैंने बहुत क्यूट से प्रोडक्ट अभी मेरे पास रिसीव्ड हुए हैं आज। तो मैंने ये नायका से मंगाए हैं और नायका, यू कैन सी नायका का बॉक्स है। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया क्योंकि मेरे पास जब शाम को पार्सल रिसीव्ड हुआ था तो 3-4 शिपमेंट थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं पहले चेक कर लूं कि कौन सी शिपमेंट डिले है, कौन सी चीज अभी नहीं है। तो दो प्रोडक्ट अभी नहीं है। उसका नेक्स्ट वीडियो में जो दो प्रोडक्ट क्या है उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि वो दो प्रोडक्ट क्या थे। फिलहाल मेरे पास जो शिपमेंट आया है, जो पैकेट आया है, ये नायका से है। प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए, देखना चाहते तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ है और अफोर्डेबल है, चीपेस्ट प्राइस में। मिस क्लेरी का फुल कवरेज आई मेकअप, फुल कवरेज मेकअप है। ये जो कॉम्पैक्ट मिरर लगा है बहुत स्वीट सा है, वेगा का है। यू कैन सी वेगा का है, पर्पल कलर का। ये मुझे 110 का पड़ा है और डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। कितने का मिला था मुझे भी शायद डिस्काउंट में मिला था, मुझे इतना याद। मिरर है, क्यूट सा, पॉकेट फ्रेंडली है। आप कहीं भी जाए जीन्स की पॉकेट में रख सकते हैं अपने पर्स वॉलेट, या आप ऐसे हैंड में भी पकड़ के जा सकते हैं। यू नो, अगर गर्ल है तो आई नो कि गर्ल के पास कुछ होना हो, एक लिपस्टिक एंड मेकअप जरूर होता है, चाहे वो कहीं भी जाए। सो यू कैन सी दोनों बोथ साइड मिरर है। और अभी मैंने, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने जो ये लुक किया है इसी मिरर को यूज करते हुए किया है। बहुत ही क्यूट क्लियर है, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है एंड काफी मजबूत है। और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। मुझे बहुत प्यारा लगा कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मैं जल्दी से इसको अपने, देखो मेरे पूरे हाथ के अंदर आ गया, इसको पकड़ के जा सकती हूँ मैं रख के, या मैं ऐसे हैंड में भी पकड़ के, किसी को पता भी नहीं चलता कि मिरर है। और अपना आईलाइनर भी सेट, बीएच ब्लू हेवन का ये जो मिनी लिप बॉम है, ये 70 और 80 समथिंग रुपीस का है, आपको डिस्काउंट में मिल सकता है नायका से। ये बहुत ही क्यूट है एंड ये बहुत सॉफ्ट लिप्स कर देता है। जब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ जेंटली, सॉफ्ट। यू कैन सी ऐसे ओपन किया एंड ये एक एग के शेप में है, ऐसे ऐसे अप्लाई कर दिया इसको और काफी सॉफ्टनेस रहता है मॉर्निंग तक। अगर मैं रात को लगा के सो जाती हूँ तो सुबह तक ये बाम का काम असर रहता है। और इसकी स्मेल ऐसा लगता है बबल गम जो हम बचपन में खाते थे ना, बबल गम की तरह लगता है मुझे। अभी मैंने आई लैशेस लगाए हैं, यू कैन सी टर्न अप द ड्रामा करके ये आई लैशेस है। ये भी मैंने नायका से परचेज किए थे जिसका प्राइस है 199 रुपीस। यू कैन सी नायका एंड गाइज, ये लैश सीरियसली फर्स्ट टाइम लगाए थे, सेकेंड टाइम अप्लाई किए हुए, डैम कम्फर्टेबल है, डैम स्मूथ, तो बहुत ही अच्छा है। इसका ग्लू भी आता है इसके साथ में। ग्लू का मेरा रिव्यू अच्छा नहीं था क्योंकि ग्लू खराब हो गया था, पता नहीं उसके अंदर से कुछ ग्लू का पैकेट ही खराब था, तो ग्लू का रिव्यू मैं अच्छा नहीं बताऊंगी। बट सिर्फ 199 रुपीज, और अभी तो इसका मैंने डिस्काउंट में चेक किया था 166 रुपीज का आई लैश मिल रहा है। फॉल्स ही अगर आप नहीं लगाना चाहते, अगर आप बिगिनर है तो आप फर्स्ट टाइम परचेज करें, तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप नायका का ये फॉल्स परचेज करें। और अगर आप प्रोफेशनल है तो यू नो द क्वालिटी, यू कैन सी। अगर आप बिगिनर है इसलिए बोल रही हूँ 199 रुपीज का परचेज करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई, डर लग रहा है पैसे वेस्ट हो जाएंगे या कुछ भी अगर ऐसी वैसी बात, तो आप ये सबसे अफोर्डेबल चीपेस्ट जो है 199 रुपीज का, आप इसे जरूर परचेज करें, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। एंड मेरी तरह, क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है, मैंने बहुत ही ज्यादा बहुत लोगों से पूछा था लैशेस परचेज करूँ, कहाँ से परचेज करूँ, कैसे परचेज करूँ। हुडा के थे 1000 समथिंग 1000 2000 रुपीस के लैशेस मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा महंगा लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी मेरे को फर्स्ट टाइम अगर आता नहीं है तो मेरे लिए वेस्ट रहेगा, तो मैं क्यों ना अफोर्डेबल परचेज करूँ। तो सो द नेक्स्ट वन गाइज, ये है, यू कैन सी जो मैं स्माइल कर रही हूँ तो ब्लश आ रहा है ना, तो यस, दिस इज ब्लश एंड हाइलाइटर। ये मैंने जो परचेज किया, यू कैन सी दिस इज ब्लश, दिस इज हाइलाइटर जो मैंने नोज के टिप पे अप्लाई किया हुआ है। एंड अगर आप
गाइज बिगनर है, मेकअप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मेकअप आप करना चाहते हैं और अफोर्डेबल आप अगर अपना बैग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप स्विस ब्यूटी बेक्ड ब्लश एंड हाइलाइटर ज़रूर परचेज करें, क्योंकि इसमें दो शेड आते हैं ब्लश के एंड दो शेड आते हैं हाइलाइटर के और ये 250 समथिंग अराउंड का है, डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको नायका से, तो ये ज़रूर परचेज करें बिकॉज यू कैन सी इसकी जो पिगमेंटेशन है इसको अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रोक में इतना अप्लाई हो जाता है कि आपके लिए कम्फर्टेबल रहता है। एंड सेकेंड चीज़ इसका शेड है 03, मैंने 03 इसको परचेज किया हुआ, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ गाइज। मेरे पास जो ब्लश था तो वो मेरा पता नहीं मिल नहीं रहा, तो मैंने ये परचेज किया था और जो मेरा पहले वाला ब्लश था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो मुझे लगा कि ये उसके एज कम्पेयर उसके जो एक्सपेंसिव था और तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सीरियसली मुझे बाय, मैंने इसके रिव्यू वगैरह तो देखे ही थे, मैंने बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को इसको यूज़ करते हुए देखा है, एंड इवन मेरा आई शेड भी हिलर ओइडा का है स्विस ब्यूटी का, तो मुझे इसलिए लगभग थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा था, अच्छा प्रोडक्ट। एंड यू कैन सी ये ब्लश आप इसको ब्लश के दो शेड एंड हाईलाइटर एंड बेक देंगे। ऊपर से इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्यूट है ऊपर से, एंड आप ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, पॉकेट में भी आप इसको रख के कहीं भी जा सकते हैं, आपके पाउच में आ जाएगा। एंड अगर आप कोई मेकअप नहीं किया कुछ नहीं किया तो आप ज़रा सा ब्लश यूवी लगा के आप रेडी हो सकते हैं। यू कैन सी मैंने ये अभी अप्लाई किया हुआ है ब्लश एंड हाईलाइट। सो गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो आई लैशेज मंगाए थे उसके ग्लू का रिव्यू मैं अच्छा नहीं दूंगी, मैंने उसमें ग्लू दी थी बट आप एक टाइम के बाद में वो उसकी पैकेजिंग अपने आप से कहीं से भी ग्लू निकल जाता है, इसीलिए मैंने मिस क्लेरी का आई लैशेज ग्लू मंगाया था जो कि वाइट टोन में है और इसकी बॉटल भी यू कैन सी बहुत ही सुपर्ब है, मेड इन कोरिया, 5 ग्राम की है और इसको जस्ट यूं आप ओपन करना है एंड ये देखो इसका जो ब्रश है आई लैशेज के बिल्कुल स्लाइड करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड अच्छा है और आपकी स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो मुझे इसलिए मैंने ये परचेज किया था एंड 100 समथिंग का है। लिंक आपको जो भी प्रोडक्ट मेंशन करूंगी उसका लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी रहेगा कि आप परचेज कर सकते हैं। सो ये मैंने मिस क्लेरी का ग्लू मंगाया है। आई नो गाइस कि ग्लू भी 400, 500, 800 के मिलते हैं बट अगर आप अपने लैशेस के अकॉर्डिंग ले, और वैसे भी ग्लू का काम तो सिर्फ इसको चिपकाना होता है, लैशेस को लगाना होता है, तो मुझे लगता है कि ग्लू इतने एक्सपेंसिव खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है और बेटर है कि आप आई लैशेस भी 199 का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सीरियसली और मैंने ये लगाया भी हुआ है अभी, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, मैं ऐसे बिना यूज़ करे नहीं बता रही हूँ आपको। सो यू कैन सी द ग्लू ठीक है 100 समथिंग का है और लैशेस मिला करके मान लो 250 रुपये का भी होगा तो बहुत है, वरना 2000-3000 के मैंने लैशेस देखे तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर भी ठीक है। सो गाइज इन नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या मंगाई थी, जो कि मैंने ये शुगर से मंगाई थी, शुगर मिनी लिपस्टिक है। इसके बारे में ये मैं आपको एक शेड बता दे रही हूँ, क्यूट सा है इसलिए मैंने बता दिया, अभी यहाँ पे रखा हुआ था क्यूट प्रोडक्ट, जब मैं आपको क्यूट प्रोडक्ट शो कर रही थी तो मैंने सोचा ये भी बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी शुगर की लिपस्टिक की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर। सो गाइज ये मैंने लास्ट चीज मंगाई थी, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको बताऊं बट इट्स ओके, मतलब कि ये मैंने मंगाया था तो ये रोलर है, हेयर रोलर, यू नो इसका ये ठीक ठाक है, मतलब 6 रोलर है जैसे आप अपने इसको हेयर को ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे उसके बाद ड्रायर करेंगे इसको ओपन करेंगे तो आपके हेयर भी रोल हो जाएंगे, जब आप हेयर जेल लगा करके अपने हेयर्स को रोल करते हैं, तो आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा जब कर्ल करते हैं हेयर को तो एक्ट्रेस जब ब्रेक पे होती हैं तो आप इसी रोलर को लेकर के अपने हेयर को ऐसे रोल करके बैठ जाती हैं और उसके बाद जैसे इसको हटाती है तो वो हेयर भी रोल हो जाता है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। गाइज अगर कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी होगा तो मेरे को कमेंट करें, मेल करें, आज कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मुझे चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस अपडेट करती रहूं, अपलोड करती रहूं, तो मुझे बताएं एंड मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें, जो भी डिटेल्स मेरे बारे में चाहिए वो अबाउट सेक्शन में जाके आप पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।